ताला बंद करो। एक मिनट, वन फॉर द फोटो ना, एक थोड़ा। हाँ यस सर, यस सर। वेल सोहेल सर, लेफ्ट ओके सर। सोहेल सोहेल यस आज बात है। एक वन मिनट सर, विशाल प्लीज, मैं थोड़ा पीछे हो जाए, सभी पूरे ग्रुप फोटो ले लेते आज। विशाल चलो थोड़ा पीछे हो जाए। थैंक यू सर। ये भी एक्सक्यूज मी मैम।
Wow. अब साथ में आ जाइए नदीम। हाँ नदीम आप आ जाइए सर। संजीव जी थोड़ा अंदर हो जाइए ना, आप थोड़ा कम क्यों था, आप भी थोड़ा अंदर हो जाइए। एक फोटो हो गया। हाँ हाँ इनकी हाँ इनकी माई वाइफ आई 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 प्लीज प्लीज इनकी वाइफ है इनको दे सकते एक थोड़ा इस तरफ आ जाइए, एक दो थोड़ा पास कीजिए, जल्दी कीजिए सर, आप सेंटर में लेट बोल सकते नदीम के बिहाफ में आप ले लेना पहले सर सर दे थैंक यू सो मच। कैसे क्या है क्या डिफिकल्टी look here विपिन दादा आपको आने का सेंटर में आना सेंटर में आप सेंटर
सर ये शेयर दो आश्चर्य हुआ, खुशी हुई, हैरानी हुई कि इतनी सुंदर पेंटिंग्स इन कलाकारों ने माउथ से या फुट से की, और उसके बाद जब लाइव एग्जांपल देखा, इमेजिन कर रहे थे, सोच रहे थे कैसे करते होंगे ये लोग, लेकिन जब मैंने लाइव एग्जांपल देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, हैरान रह गया कि कमाल है, किस तरह से इन लोगों ने मतलब इन कलाकारों ने, हैट्स ऑफ टू देम, मतलब जो जिस प्रकार से फुट से पेंटिंग शुरू करी, चाहे वो पेंट की यू नो बॉक्स को खोलना है, चाहे ब्रश को पकड़ना है, चाहे कैनवस को सेंटर करना है, चाहे कलर्स को मिक्स करना है, एवरीथिंग डन बाय फीट, फैंटास्टिक, रियली अप्रिशिएट, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हैविंग बीन इनवाइटेड टू इनॉग्रेट दिस एग्जीबिशन, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू हैव मेट these two wonderful artists and their families. सामने उनके परिवार खड़े हैं, एंड मैं शुभकामनाएँ देता हूँ नीलम जी को, जिन्होंने इस डिफरेंट किस्म की पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन किया. थैंक यू. ये जो इनिशिएटिव लिया गया उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ऐसे इनिशिएटिव और लिए जाने चाहिए. मैं ये भी लोगों से आग्रह करूँगा कि इस एग्जीबिशन को विज़िट करें, पेंटिंग्स को ख़रीदें और इन कलाकारों का हौसला बढ़ाएँ. थैंक यू. एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने आप को तो हैंडीकैप समझते हैं, तो हम जो पेंटिंग जो करते हैं उसमें हम इंजॉय करते हैं, तो डिफ़िकल्टी तो हर इसमें आती है. जैसे आप भी अगर पेंटिंग करोगे तो आपको भी डिफ़िकल्टी आती होगी, बट लेकिन हम ऐसा फील करते हैं क्योंकि हम जो आर्टिस्ट लोग जो है वो उसमें इंजॉय करते हैं, तो हम कभी ये डिफ़िकल्टी का वर्ड हमारे माइंड में आता ही नहीं है, हम बस उसमें इंजॉय करते हैं और वो ऑटोमेटिकली वो खूबसूरत बन जाती है, क्योंकि हम बस उसमें कोशिश करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं से वो पेंटिंग में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करें, और हम हमेशा वही कोशिश करते रहते हैं. क्या कुछ आप लोगों को मोटिवेट करता है कि इस तरह की पेंटिंग आप बनाते हैं? लोग हमें मोटिवेट करते हैं क्योंकि उनके जो नेगेटिव जो कमेंट्स आते हैं वो हमें ज़्यादा मोटिवेट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम जब पैदा हुए तो हमें तो नहीं पता था कि हम डिसेबल हैं, हमें लोगों ने बताया कि आपके ये कमी है, आपने ये कमी है, तो हमें लोगों ने ही बताया कि हम टैलेंटेड हैं, कि हमें कुछ ना कुछ हम अलग हैं, हमें दुनिया से अलग बनाया गया. तो उसी तरीके से हमारी जो पेंटिंग्स है उसमें भी अगर किसी ने अगर बता दिया कि ये पेंटिंग आप कैसे बना लेते हो, आप में ये कमी है, आप में ये कमी है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक मोटिवेट का मतलब बोलते हैं ना एक पावर दे देते, एनर्जी हमारे अंदर बिल्डअप कर देते, जिससे हम कोशिश करते रहते कि इसको और कहीं ना कहीं से हम उसको इम्प्रूव करते और हम कोशिश करते रहते. सर आपको कहाँ से मोटिवेशन? मुझे तो बहुत खुशी होती है पेंटिंग बनाने में, जो नर्वस हो जाता हूँ तो पेंटिंग बना के थोड़ा खुश हो जाता हूँ और बहुत इंजॉय से बनाता हूँ. जब लोगों से इतना अप्रिशिएशन मिलता है तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, क्योंकि हमें लगता नहीं कि लोग इतना भी प्यार करते होंगे, बट लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग डिसेबिलिटी को छोड़कर एबिलिटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि लोगों के नज़र में आर्ट उनके लिए वैल्यू है, तो वो ये नहीं सोचते कि डिसेबल ने बनाया ये बनाया, बट लेकिन जब उनका जब प्यार हमें जब मिलता है तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हम भी उनके जैसे हैं. तो जो हम मैं जैसे मैं देखता हूँ मैं लोकल जगहों पर जब मैं घूमता हूँ जैसे ट्रेन वगैरह में, तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे गरीब लोग को देखता हूँ जिनके हाथ पैर नहीं है, बट लेकिन वो भीख मांगते हैं. बट उन्हें मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब आपको जब ऊपर वाले ने जब अलग बनाया है तो आप क्यों दूसरों को अलग समझते हो? आप क्यों सोचते हो कि हम उनसे कम है? आप उनसे एकदम अलग हो, तो आप अपने अंदर के खूबी को पहचानो, क्योंकि हर इसमें एक ना एक टैलेंट होता है,
तो आप अपने टैलेंट को पहचान। आप भीख मांगने से अच्छा आप उसी को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करो। अगर आप जितनी अच्छी आवाज़ में आप भीख मांग रहे हो उतनी अच्छा वो आवाज़ में आप सिंगिंग भी कर सकते। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि लोग जो है अपने आप को कमज़ोर समझना छोड़ दें, क्योंकि आप में ही खुद ब खुद एक पावर है। तो आप पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड आपके लिए चल रहा है, किसी के लिए। मैं तो बहुत एक्साइट हो जाता हूँ और बहुत खुशी होती है कि लोग हमारी तारीफ करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। इस तरह का इनिशिएटिव लिया जा रहा है, सो कितनी खुशी होती है कि आप लोगों के लिए भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आप लोग भी प्लेटफॉर्म। ये एक्चुअली लोगों का प्यार है जो हमारे लिए वो करते हैं, और उनका प्यार ही है जिस वजह से MFPA ऑर्गेनाइजेशन बनी। उनके प्यार के वजह से हम आज आगे आपके आगे हम खड़े हैं, आपसे हम बात कर रहे हैं, तो ये सब उन्हीं का प्यार है। थैंक यू सो मच।